Hey everyone, welcome to Unacademy and I hope you are doing absolutely awesome. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, आप लोगों के लिए 60 डेज रैपिड रिवीजन करंट अफेयर्स के सेशन नंबर 9 के साथ। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियरली पहुँच रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। सो प्रीलिम्स नज़दीक आता जा रहा है आपका और हम लोग भी करंट अफेयर्स के रिवीजन में काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। हम लोगों ने जनवरी से स्टार्ट किया था और आज हम लोग नवंबर के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। तो हम लोगों ने भी बहुत स्पीड में अपने करंट अफेयर्स को कवर अप किया है, ठीक है। उम्मीद यही रहेगी कि इस महीने के अंदर अंदर हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए, उन सारे के सारे करंट अफेयर्स को कम्प्लीटली कवर कर लें। इसके साथ साथ आप लोगों को पता है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें थोड़ा सा इश्यू आया है। सो तब तक के लिए आपको सारे अपडेट्स जो अनअकैडमी का आर्टिकुलेट चैनल है या मेरे जो और चैनल्स हैं वहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है? क्लियर? गुड। नाउ गाइस, लास्ट मंथ एट दिस प्राइस, सो प्राइस हाइक यहाँ पर फिर से अनाउंस किया गया है। प्राइस हाइक नहीं हुआ जो कि 1 सितंबर को शेड्यूल्ड था, ओके, बट दिस टाइम प्राइस हाइक पक्कम पक्का वाला होने वाला है। तो कम्बो अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन टू क्रैक यूपीएससी सीएसई, इसके भी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो, अगर आप करेंटली लेते हो तो आपको बहुत सारे सेविंग करने का मौका मिलता है। न्यू बैचेज आर ऑल्सो बींग लॉन्च फॉर सीएसई 2021, 2022 एंड 2023, जहाँ पर आप देख सकते हो 1 ईयर बैच है, ठीक है, और लर्नर्स जनरल बैच है। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव बैच है फॉर 2022। तो ये वाला भी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट बैचेस आपके लिए रहने वाले हैं, ओके। सो इसके अंदर विज्ञान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि मैं आप लोगों के लिए कवर अप कर रहा हूँ। आई एम कवरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यू और इन द बैच ऑफ 2023। यू कैन सी हेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय मी, जो कि अगले साल के जून और जुलाई मंथ के बीच में होने वाला है। लाइक 44 आवर्स के अंदर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर अप करेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते। सो टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉन्चेस दिस सितंबर, यू कैन सी अनअकैडमी सारे आपके लिए ऑप्शनल भी लॉन्च कर रहा है। एक विजडम सीरीज 5 सितंबर को होने वाली है। और रेज योर हैंड गाइस, ये वाला फीचर बड़ा ही मज़ेदार फीचर है। यहाँ पर आप लोग अपने सारे सवाल हम लोगों से रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। डू नॉट फॉरगेट कि अगर आप लोग अनअकैडमी कॉम्बैट में एनरोल करते हो तो आप लोगों को काफ़ी सारे प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलता है। और यहाँ पर भी आप लोग सेम कोड इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज़ AMS Live, ठीक है। जब आप लोग कॉम्बैट में एंटर कर रहे हो उस समय पर आपसे कोड पूछा जाएगा, उसमें आप मेरा कोड डाल देना जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। सो एवरीवन रेडी? रेडी? रेडी स्टडी गो, जल्दी लिख दो रेडी। चलो, आई होप एवरीवन इज रेडी। आज का पहला टॉपिक है हमारा सी ग्रास को लेकर। सी ग्रासेस को रिस्टोर करने का प्रोसेस तमिलनाडु ने स्टार्ट कर दिया गल्फ ऑफ मन्नार के अराउंड। क्या बात की गई कि हम लोग रिस्टोर करेंगे सी ग्रासेस को। ना व्हाट आर सी ग्रासेस? आप मेरे पीछे देख सकते हो सी ग्रास, ठीक है, ये कोरल के आसपास उगी हुई है। तो यहाँ पर दीज आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि शैलो मैरीन वाटर्स के अंदर ग्रो होते हैं। खासकर अगर आप बेज या लगून्स के अराउंड देखोगे तो आपको सी ग्रास देखने को मिल जाएंगे। दीज हैव वेरी वेरी टाइनी फ्लावर्स एंड स्ट्रैप्स लाइक और ओवल लाइक लीव्स आपको इनकी देखने को मिलती हैं। इनका इवोल्यूशन हुआ, ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हुआ करते थे, ठीक है। इवॉल्व्ड अबाउट 850 मिलियन ईयर अगो फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ग्रीन एल्गे। तो जो सी ग्रासेस हैं ये एल्गे से इवॉल्व हुए हैं, और जो सी ग्रासेस हैं दे इवॉल्व फ्रॉम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो रिकोलोनाइज करते हैं ओशन को आज से 70 से 100 मिलियन साल पहले। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जो सी ग्रासेस होती हैं उनको भी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स। वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसकी मदद से वो अपना खुद का खाना बना पाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। रिप्रोडक्शन मेथड के बारे में बात करें कि जो सी ग्रासेस हैं दे यूज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड। जो पोलेंस होती हैं वो मेल प्लांट जो होता है उससे ट्रांसफ़र की जाती है टू दी ओवरी ऑफ दी फीमेल, और इसके इसी तरीके से और जो सी ग्रासेस होती हैं वो ग्रो होती हैं। इस चीज़ को हम लोग सबमरीन पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर जो स्पीसीज़ होती हैं वो इसी तरीके के पॉलिनेशन का इस्तेमाल करती हैं। कुछ जगह पर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सी ग्रासेस एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं बाय ब्रांचिंग ऑफ एट देयर राइजोम्स। तो मतलब सी ग्रासेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं। अभी हम लोगों को जो रिकॉग्नाइज्ड हैं वो टोटल 60 स्पीसीज़ हैं जो कि 4 फैमिलीज से बिलोंग करती हैं ऑफ ऑर्डर एलेस मेटेल्स। कुछ इंपॉर्टेंट सी ग्रास हैं जैसे सी काउ ग्रास, थ्रेडी सी ग्रास, निडल सी ग्रास and flat tipped seagrass. So these are important seagrasses. जो seagrasses होती हैं वो आपको हर एक लेयर में देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो मड्स में ही क्यों ना हो या रॉक्स में ही क्यों ना हो। The lush green seagrass beds are extensively found in muddy and sandy substrate. हमारा पूरा जितना भी कोस्टल इलाका है हमारे देश का, सब जगह हमें seagrasses देखने को मिलेंगी, पर सबसे ज़्यादा एबेंडेंटली हम लोगों को पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर सी ग्रासेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप लोगों ने सी ग्रासेस के बारे में समझ लिया है। क्या अर्नब का एग्ज़ाम है? ऑल दी वेरी बेस्ट अर्नब, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, डोंट वरी, यू विल परफॉर्म रियली गुड, टेंशन मत लो। तो अमेरिकन्स हार्वर्ड जे आल्टो और चार्ल्स एम राइस और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं माइकल हक्टन, जिनकी आप तस्वीर भी देख रहे हो, इनको नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन या फिजियोलॉजी से सम्मानित किया गया। क्यों? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। इस चीज़ को अभी के अभी आप लोग याद कर लें कि नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इस बार हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए दिया गया। फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरस, ओनली फॉर द वायरस, वैक्सीन की डिस्कवरी के लिए नहीं। वैक्सीन तो हेपेटाइटिस सी के लिए डिस्कवर ही नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ वायरस की डिस्कवरी के लिए। जो हेपेटाइटिस सी है इसको 1982 के अंदर डिस्कवर किया गया था, बहुत सारे डीएनए सैंपल्स को स्क्रीन करने के बाद। उस समय तक सिर्फ यही लगता था कि या तो हेपेटाइटिस ए है या हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, उस समय तक सिर्फ यही लगता था। द नोबेल अवार्ड कम्स विद अ गोल्ड मेडल एंड प्राइज ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर, जिसकी इक्विवेलेंट होता है $11 अराउंड 11 लाख, जिसको स्वीडिश इन्वेंटर एल्बर्ट नोबेल के नाम से यहाँ पर इन्वेंट किया गया। नाउ लेट अस कवर अबाउट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आपके लिए इस बार प्रीलिम्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। सो हेपेटाइटिस, व्हाट इज दिस? इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जलन होने लगती है इसके अंदर लिवर में। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन, एक वायरस इन्फेक्शन। इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस and there are other possible causes of hepatitis: autoimmune response, medication की वजह से, drugs की वजह से, toxins की वजह से या alcohols की वजह से भी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है। 5 मेन तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। और हर साल 28 ऑफ जुलाई को हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आज बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट हेपेटाइटिस सी। नाउ हेपेटाइटिस सी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हेपेटाइटिस के वी हैव, ये तो है, मैं आपको इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, वो और भी ज़्यादा मज़ेदार और इजी रहेगा, है ना, वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए लेट अस मेक अ डायग्राम ऑफ हेपेटाइटिस। नो हेपेटाइटिस के बारे में अगर हम लोग देखें, आप उसे ए, बी, सी, डी और ई 5 टाइप में हेपेटाइटिस को डिवाइड कर सकते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। जिनमें से ए और ई टाइप का जो हेपेटाइटिस है, इट इज कॉज्ड बाय फूड और वाटर कंटामिनेशन। इट इज कॉज्ड बाय फूड और वाटर कंटामिनेशन। बी और सी वाले जो यहां पर वायरस है, ये या तो इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से कॉज हो सकता है, या जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं उनकी वजह से कॉज हो सकता है। जो हेपेटाइटिस डी वाला वायरस है, वो उन्हीं व्यक्ति को इम्पैक्ट हो सकता है जिस व्यक्ति को पहले कभी हेपेटाइटिस बी हुआ। तो अगर हेपेटाइटिस बी बिगड़ जाए तो उसी केस के अंदर वो हेपेटाइटिस डी में कन्वर्ट हो सकता है। अभी तक हमारे लिए सिर्फ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की ही जो वैक्सीनेशन है वो हमारे पास अवेलेबल है। मतलब सी, डी और ई की जो हेपेटाइटिस की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस ए और ई ये दोनों ही एक तरीके की सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस हैं, खुद ही ये सॉल्व हो जाती हैं, खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। हमारे देश में जो हेपेटाइटिस बी है, दिस वन जो हेपेटाइटिस बी है, वो हम लोगों ने अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कवर की हुई है। ओनली हेपेटाइटिस बी इज कवर्ड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हम लोग उन गिने चुने देशों में से हैं जो कि हेपेटाइटिस बी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है, एज वेल एज हम लोग जो अपने इंद्रधनुष मिशन के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर भी हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी को कवर किया हुआ है। तो हेपेटाइटिस के बारे में जो चीज़ें मैंने अभी आपको ये वाली स्क्रीन पे जो मैंने मार्क करी हैं, डू रिमेंबर देम, डू रिमेंबर देम। क्लियर? चलो, सो ये हम लोगों ने हेपेटाइटिस के बारे में कवर अप कर लिया। हेपेटाइटिस सी के बारे में याद रखना, इट इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस, ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड्स, टिपिकली थ्रू इंजेक्शन ड्रग्स और विद दी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अ वैक्सीन फॉर डिजीज हैज़ नॉट येट बीन डेवलप्ड। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक वैक्सीन डेवलप नहीं की गई है। इस साल हेपेटाइटिस से सवाल आ सकता है। अब हेपेटाइटिस सी की डिस्कवरी के लिए मिला था, इस डिस्कवरी ने मदद करी कि ये समझने में कि भाई ए और बी के अलावा और भी तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं, और कि हम लोग और जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल हेपेटाइटिस सी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। नाउ कुछ डेटा जो कि आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट है गाइस। 40 मिलियन पीपल आर क्रॉनिकली इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस एंड 6 to 12 मिलियन आर इन्फेक्टेड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। 2018 के अंदर एक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिससे हेपेटाइटिस सी को हम लोग एलिमिनेट करवा पाएँ बाय 2030। जो हेपेटाइटिस बी है, इट इज़ इंक्लूडेड अंडर इंडियाज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ की जो वैक्सीनेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। पहली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेस्ड वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की इंडिया के अंदर ही प्रोवाइड की गई थी, जो कि शांता बायोटेक ने डेवलप करी थी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पर और देख सकते हो, समझ सकते हो हेपेटाइटिस सी और बी के बारे में, और इधर ए और ई के बारे में। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाती हैं। नाउ मूविंग ऑन, नोबेल पीस प्राइज़। नाउ देखो, नोबेल प्राइज़ बहुत सारी फील्ड में आपको देखने को मिलते हैं ना। आपको फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा, मेडिसिन में मिलेगा, लिटरेचर में मिलेगा और पीस में मिलेगा। नाउ पीस वाला प्राइज़ इज़ वेरी यूजफुल। इस बार जो पीस वाला प्राइज़ है वो दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ 2020 दिया गया, इसीलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। इसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द सो कॉल्ड एज फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनजीए और फाओ ने मिलके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सेटअप किया था एज अ फुल फ्लेज्ड यूएन प्रोग्राम इन 1965। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम, इटली के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली के अंदर है। मेन चीज़ है हंगर को रेडिकेट करने के लिए, और यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं बेसिकली, जिसमें हम लोग ज़ीरो हंगर के बारे में बात करते हैं, वी कॉल अबाउट ज़ीरो हंगर, उसको हमें अचीव करना है बाय 2030। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 या ज़ीरो हंगर को अचीव करने के लिए जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो यूनाइटेड नेशन की प्राइमरी एजेंसी है जो कि इस गोल के लिए काम कर रही है। करेंटली दुनिया का सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी जो कि हंगर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ही है। 2019 के अंदर, 2019 के अंदर 97 मिलियन लोगों को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने असिस्ट किया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से देयर आर 690 मिलियन हंग्री पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जिनमें से 60% उन देशों में रहते हैं जहां पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। और जो दुनिया में नंबर ऑफ हंग्री पीपल हैं जिनको सही से एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से उन लोगों की जो संख्या है वो ड्रास्टिकली बढ़ गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सजेस्ट करता है कि 2030 तक करीबन जो आधी जो जनसंख्या है गरीब जनता की, जो कि फ्रेजाइल और कन्फ्लिक्ट एरिया की सिचुएशन के अंदर रह रही होगी, हमें उस तक भी फूड पहुँचाना है। नाउ गाइस, इंडिया का जो रोल है, इंडिया के अंदर जो रोल है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, वो भी बहुत एनॉर्मस रहा है। 1963 से इंडिया में काम कर रही है और इंडिया में जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो उसके ऊपर भी नज़र रखती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हमारे देश के अंदर कंप्लीट किया था अ प्रोजेक्ट ऑन राइस फोर्टिफिकेशन, जिसको मिड डे मील स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो हम लोग एक्स्ट्रा विटामिन वाली राइस मिड डे मील स्कीम के अंदर इस्तेमाल जो करते हैं वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया ने ही इम्प्लीमेंट किया था। पेंडेमिक के समय पर भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम किया, और यही एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस के रूप में भी काम कर रही है कि स्कूल को वापस से रीओपन किया जाए या ना किया जाए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साइन किया, जिससे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराए जाए न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट्स को। मूविंग ऑन, हम लोग एक और टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में प्रचलता है उसको कवर अप करेंगे, दैट इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC। नो देखो गाइज, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आप ये सोचो कि बाय लॉज में कहीं मेंशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, या संविधान में कहीं मेंशन है, कहीं पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मेंशन नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट असलियत में है क्या? दे आर जस्ट अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, दे आर नथिंग, जस्ट अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, जिनकी मदद से इलेक्शन कमीशन के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, उनको कंडक्ट कराने में ये गाइडलाइन मदद करती है। तो व्हाट इज एमसीसी, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ गाइडलाइन that are issued by election commission to regulate political parties and candidates and polling booth agents। एक और आप लिखोगे अगर आप नोट्स बना रहे हो, and polling booth agents। ये guidelines, ये rules political parties, कैंडिडेट्स और पोलिंग बूथ एजेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये मदद करते हैं इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पावर टू सुपरवाइज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको इलेक्शन कमीशन सही तरीके से फुलफिल कर सके। Model Code of Conduct is operational from the date on which the election schedule is announced। जिस दिन से इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबके सामने आकर मीडिया अनाउंस करती है, तब से लेकर जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं कर देती, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल रहते हैं, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहते हैं। ये जनरल सवाल है, इंडियन पॉलिटी में अक्सर आ जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से कब तक अप्लाई रहते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सबसे पहले इस्तेमाल केरला की असेंबली इलेक्शन के अंदर किया गया था, जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिससे इलेक्शन सही तरीके से हो, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे पॉलिटिकल एक्टर्स के लिए। उसके बाद 1962 के लोकसभा चुनावों के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सर्कुलेट किया गया। 1991 के अंदर इलेक्शन नॉर्म्स जब लगातार ब्रेक हो रहे थे और करप्शन के केसेस हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पूरे देश में अप्लाई किया जाएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली 8 प्रोविजन से डील करते हैं। विच आर दी 8 प्रोविजन जिनसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डील करता है? पहला, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी लिमिटेड टू देयर पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, पास्ट रिकॉर्ड एंड वर्क। आप किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को या दूसरे कैंडिडेट को एक दायरे में ही आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। कोई भी तरीके की एक्टिविटी जो कि कास्ट या कम्युनल इन नेचर है, कोई भी तरीके की एक्टिविटी जो कि गलत तरीके से वोट सिक्योर करने के लिए की जा रही है, उनके ऊपर रोक लगाई गई। पार्टीज को लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा वेन्यू के बारे में और टाइम के बारे में, अगर वहाँ पर कोई मीटिंग होने वाली है, जिससे पुलिस एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सके। प्रोसेशन के बारे में बात करें, अगर 2 या उससे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो प्लान करते हैं पोजेशन अलोंग द सेम रूट, ऑर्गेनाइजर्स मस्ट एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट इन एडवांस टू इंश्योर दैट जो पोजेशंस हैं वो आपस में क्लैश ना हो। पोलिंग वाले दिन जितनी भी ऑथोराइज पार्टी वर्कर्स होंगे उनको सुटेबल बैजेस और आइडेंटिटी कार्ड मिलेंगे। आइडेंटिटी स्लिप सप्लाइड बाय देम टू वोटर्स शैल बी ऑन अ प्लेन वाइट पेपर एंड शैल नॉट कंटेन एनी सिंबल, नेम ऑफ कैंडिडेट और द नेम ऑफ पार्टी। पोलिंग बूथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो वोटर्स होंगे जिनके पास वैलिड पास है वही अलाउड होंगे। इलेक्शन कमीशन एक ऑब्जर्वर चुनेगी टू हुम एनी कैंडिडेट मे रिपोर्ट अबाउट द प्रॉब्लम या कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड, वो कंप्लेन कर सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बात करती है कि जो पार्टी इन पावर है उसको भी कंट्रोल किया जाए, कि जो पार्टी ऑलरेडी पावर में है वो अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। 1979 में रेगुलेट किए गए कंडक्ट ऑफ पार्टी इन पावर, जैसे जो भी मिनिस्टर्स होंगे दे शुड नॉट कंबाइन ऑफिशियल विजिट विद इलेक्शन वर्क, ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल इलेक्शन के लिए नहीं किया जाए। एंड द पार्टी मस्ट अवॉइड एडवर्टाइजिंग एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, या ऑफिशियल मास मीडिया का इस्तेमाल करना अपने खुद के प्रमोशन के लिए, ये सब चीज़ें नहीं किया जाएंगी। मिनिस्टर्स एंड अदर अथॉरिटीज़ मस्ट नॉट अनाउंस एनी फाइनेंशियल ग्रांट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, इवन कोई भी नया रिक्रूटमेंट भी उस दौरान उस स्टेट के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। अन्य जो पार्टीज़ हैं दे मस्ट बी अलाउड टू यूज़ पब्लिक स्पेसेस, रेस्ट हाउसेस, उसमें किसी भी पार्टी की मोनोपोली नहीं रहेगी। इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर किसी भी वोटर को अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती हैं। हाय विनय, आई नो मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द एरर इन टेलीग्राम, बट इट विल वर्क वेरी सून, डोंट वरी अबाउट इट। लीगल एनफोर्समेंट के बारे में बात करें तो भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। देयर इज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, बस उसे एनफोर्स इलेक्शन कमीशन करता है विद द हेल्प ऑफ इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इलेक्शन कमीशन हमेशा ये आर्ग्यू करता है कि हम लोग मॉडल कोड को जल्द से जल्द लीगली बाइंडिंग बना दें। सबको क्लियर इतना? अभी जो हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किया, नहीं, वो डिलीट नहीं हुआ है। इट्स अ टेलीग्राम एरर, जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ हुई है। सो डोंट वरी अबाउट इट गाइस, डोंट वरी, बी कूल, ठीक है? इसलिए मैं आज अपनी क्लास शेयर भी नहीं कर पाया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है? दिस वाज द मेन रीज़न कि मेरी क्लास नहीं शेयर हो पाई टेलीग्राम पे। सो रिसेंटली एक स्टडी की गई इंडियन और कैनेडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिन्होंने देखा कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दे वर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द हरप्पन्स एज फार एज 2500 BC। डेयरी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस किए जाते थे हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा, तो डेयरी प्रोडक्शन के हमें एविडेंसेस हरप्पन सिविलाइजेशन के देखने को मिले। खास बात है 2020 के अंदर इंडस वैली की 100 ईयर्स ऑफ डिस्कवरी भी हम लोगों ने सेलिब्रेट करी थी। एंड गाइस इस वजह से इंडियन हिस्ट्री के एंशियंट वाले पोर्शन में इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो क्वेश्चन आने के चांस है वो बढ़ गए हैं। यहाँ पर एक स्टडी की गई मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस की मदद से, और यहाँ पर देखने को मिला कि कुकिंग वेसल्स के अंदर मिल्क प्रेजेंट हुआ करता होगा जिसको बॉयल किया गया होगा फॉर कंजम्पशन पर्पस। दे आर ऑल्सो रिमेन्स ऑफ परफोरेटेड वेसल्स जिसके अंदर मिल्क को प्रोसेस किया जाता होगा अलग अलग फॉर्म्स में, चाहे बटर हो, घी हो, चीज़ हो, ठीक है? इस वजह से लार्ज हर्ड इंडिकेट दैट मिल्क वाज प्रोड्यूस्ड इन सरप्लस, और शायद मिल्क का ट्रेड भी किया जाता होगा अलग अलग सेटलमेंट्स के बीच में, और डेयरी प्रोडक्शन का इंडस्ट्रियल लेवल बढ़ गया होगा उस समय पर। यहाँ पर स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस की मदद से बताया गया कि उस समय पर कैटल्स का इस्तेमाल किया जाता होगा फॉर डेयरी प्रोडक्शन। ज़्यादातर जो कैटल्स हैं या वाटर बफेलोज हैं दे डाइड एट एन ओल्डर एज सजेस्टिंग दे हैव बीन रेस्ड फॉर मिल्क। बहुत सारी जो गोट्स हैं, शीप्स हैं, दे डाइड व्हेन दे वर यंग, इंडिकेटिंग कि उनका इस्तेमाल शायद मीट के लिए किया जाता होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं कि इट वाज अ फेसलेस सिविलाइजेशन, मतलब वी डोंट हैव अ फेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हमारे पास कोई फेस नहीं है सिविलाइजेशन का। वी डोंट नो अबाउट कि सिविलाइजेशन के अंदर कोई राजा हुआ करता होगा या नहीं हुआ करता होगा, कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी कि नहीं होगी, पर हमें इतना ज़रूर पता है कि जितनी भी सेटलमेंट्स थीं, चाहे मोहनजोदारो हो, हड़प्पन हो, जितनी भी हो, लोथल हो, सेनौली हो, शायद इनके बीच में कोई सेटलमेंट इंट्रैक्शन डेफिनेटली होता हो। देयर मस्ट बी अ सेटलमेंट इंट्रैक्शन, और यहाँ पर लोग ट्रेड करते होंगे, गिव एंड टेक, या शायद उस समय पे बाटर सिस्टम हुआ करता हो। इसके बारे में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट इंडिया के लिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ना इंडियन हिस्ट्री बर्थ ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग करते हैं, है ना? पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक के बाद हम लोग डायरेक्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। 2500 बीसी के अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई, खासकर पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया जो गंगेटिक रीजन है, गंगेटिक और गंगा सरस्वती सभ्यता इसको कहते हैं, उस समय पे स्टार्ट हुई होगी। उस समय 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो कि एक इजिप्ट में थी, मेसोपोटामिया में थी, एक चाइना में थी और एक हमारे भारत में इंडिया में थी। 1920 के अंदर इंडस वैलीज की एक्सकवेशन की गई और सबसे पुरानी 2 सिटीज हम लोगों ने खोजी, मोहनजोदारो और हड़प्पा। उस समय पर 1924 में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उन्होंने अनाउंस करा डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू दिस होल वर्ल्ड। याद रखना, जॉन मार्शल। नाउ इम्पॉर्टेंट साइट्स और उनकी फाइंडिंग अभी के अभी हैंड टू हैंड हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो हड़प्पा को एक्सकवेट किया दयाराम साहनी जी ने 1921, रावी नदी के किनारे पंजाब के अंदर, पंजाब ऑफ पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर हमें सैंडस्टोन की स्टैचू, ग्रीनरीज और बुलक कार्ट्स देखने को मिली। मोहनजोदारो, आर डी बैनर्जी 1922, बैंक्स ऑफ रिवर इंडस इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान। यहाँ पर हमें ग्रेट बाथ, ग्रीनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति, स्टेल स्टैच्यू, अ पीस ऑफ वूवन कॉटन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। याद रखना, यहाँ पर कॉटन का पीस भी हमें देखने को मिला। इसका मतलब देयर वाज अ प्रूफ कि वहाँ के लोग टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे। स्टेलाइट की स्टैचू देखने को मिली है, एक बियर्डेड मैन की। गाइस अगर आप वहाँ पे देखोगे तो बियर्डेड मैन दिखाना अपने आप में आर्ट एंड कल्चर में एक बहुत ही ज़्यादा, बोलते हैं ना, टेक्निकल चीज़ होती है। इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल थिंग, बहुत टेक्निकल चीज़ होती है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आप देखो, सील ऑफ पशुपति देखो, आपको समझ में आएगा कि ब्रॉन्ज मतलब एलॉय मिक्सचर्स में वो लोग कितने एक्सपर्ट थे। ग्रेट बात से हमें पता लगता है कि वहाँ पर शायद रिलीजन की कितनी इंपॉर्टेंस होती होगी और उसी जगह पर हमें पशुपति नाथ की सील देखने को मिली है, तो इसको इंटरलिंक किया जाता है। सुत्केजौर में हमें, जो कि स्टीन ने 1929 में डिस्कवर किया था, ये भी पाकिस्तान के अंदर ही है, इट वॉज अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और बेबीलोन के बीच में ये ट्रेड पॉइंट हुआ करता होगा, ट्रेड हुआ करता होगा। फिर चानूदारो, एनजी मजुमदार 1931, सिंध, इंडस वैली, इंडस रिवर के अराउंड। यहाँ पर आपको बीड मेकर की शॉप और डॉग और कैट के फुटप्रिंट देखने को मिले हैं चानूदारो के अंदर। इसके साथ साथ आमरी, आमरी नाम की जगह भी यहाँ पर इंडस रिवर के किनारे पे है। यहाँ पर एंटीलोप के एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। कालीबंगन में हमें फायर आल्टर्स देखने को मिले हैं, कैमल की बोन्स देखने को मिली हैं और वुडन प्लग देखने को मिला है। ये राजस्थान के अंदर है, घाघा नदी के किनारे। लोथल के अंदर भोगवा रिवर, गल्फ ऑफ कैम्बे, पहला मैन मेड पोर्ट हम लोग इसे कहते हैं लोथल को। लोथल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो बताएगा इसका मतलब उसके करंट अफेयर अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। डॉकयार्ड, राइस हस्क देखने को मिले हैं, फायर ऑल्टर देखने को मिले हैं और चेस प्लेइंग देखने को मिली है। फिर आपको यहाँ पर सुरकटडर में आपको देखने को मिलते हैं बोन्स ऑफ हॉर्सेस, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हॉर्सेस यहाँ पे हुआ करते होंगे, ठीक है। बनवली आरएस बिस्ट ने फाइंड किया था। यहाँ पे बीट्स, बारले, प्रियपन और हड़प्पन दोनों के हमें चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली, ठीक है, दोनों की चीज़ें देखने को मिली। ना धोलावीरा, इस बार धोलावीरा इंपॉर्टेंट हो गया है। वाई धोलावीरा इज इम्पॉर्टेंट? धोलावीरा हमारी 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई एंड धोलावीरा इज फेमस फॉर इट्स वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड वाटर रिजर्वेयर, वेरी वेरी फेमस फॉर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वेरी वेरी फेमस। धोलावीरा इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलो मूविंग ऑन, यूपीआई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। एनपीसीआई ने डेटा रिलीज किया था कि भीम यूपीआई हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम लोग थोड़ी सी चीज़ें यूपीआई के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग एनपीसीआई के और एनपीसीआई के जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में चीज़ें रिवाइज करने वाले हैं। चलिए ना, व्हाट इज़ यूपीआई? यूपीआई इज़ द बिगेस्ट अमंग एनपीसीआई ऑपरेटेड सिस्टम, जिसमें नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस आता है, नैश आता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज IMPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम APS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS और रुपए जैसी चीज़ें आती हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई आफ्टर द लॉकडाउन वॉज इम्पोज इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कोविड-19। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार बात करता है कि हमें डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, हमें कैशलेस इंडिया की तरफ आगे बढ़ना है। आज का हमारा मेन टॉपिक है NPCI। तो व्हाट इज़ NPCI? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है। NPCI को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और साथ में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर बनाया था। डू रिमेंबर दिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA, इन दोनों ने मिलकर NPCI को बनाया था अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2002। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में काम करती है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, करेंटली कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि NPCI के अंदर वर्क करते हैं। सबसे पहले है भीम UPI। भीम UPI का मेन मकसद क्या है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की मदद से हम ई पेमेंट को और भी ज़्यादा आसान बना सकें। बेसिकली IMPS का, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का, ये एक एडवांसर वर्जन है जो कि IMPS से ज़्यादा तेज है, IMPS से ज़्यादा आसान है, IMPS से ज़्यादा स्मूथर है। पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ये इजीली कर पाता है और सबको ताकत उनके मोबाइल फ़ोन्स में प्रोवाइड करता है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन्स की ही मदद से चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें, पेमेंट कर सकें, सेटलमेंट कर सकें। इसके बाद आता है हमारा APS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, ये माइक्रो ATM में आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जस्ट अपना आधार नंबर इस्तेमाल करके, जस्ट अपना फिंगरप्रिंट या इरिस स्कैन को वेरीफाई करके, क्योंकि आज की डेट में आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। आप जो कुछ ATMs हैं, माइक्रो ATMs जिनके पास ये सुविधा अवेलेबल है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, आप सिर्फ अपना आधार नंबर डाल के और अपना फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन देकर आप कोई भी पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी तरीके की अपनी बैंक डिटेल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है NETC, इट हेल्प्स इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एट टोल प्लाजा। हम लोग जो फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, फास्टैग क्या है? आपकी गाड़ियों के ऊपर एक चिप लगाई दी जाती है, एक स्टिकर लगा दिया जाता है, फास्टैग जिसका नाम है, जो कि RFID अनेबल्ड होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन का ये इस्तेमाल करता है कि जब भी आप किसी टोल के थ्रू पास करते हो तो उसके ऊपर जो रेडियो वेव्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं और जो आपके फास्टैग से अटैच्ड वॉलेट है या बैंक अकाउंट है उसमें से पैसे ऑटोमेटिकली काट लेते हैं। और असलियत में ये जो पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है, जो पूरा का पूरा जो सेटलमेंट सिस्टम है, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की मदद से किया जा रहा है, NETC की मदद से किया जा रहा है। तो फास्टैग जो कि RFID टैग है उसको सपोर्ट, उसको इलेक्ट्रॉनिकली टोल कलेक्शन के लिए जो पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI कर रही है विद द हेल्प ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। मूविंग ऑन, नैश। नाउ नैश एक सर्विस है जो कि NPCI बैंक्स को ऑफर करता है, जिससे इंटर बैंक अगर कोई भी सेटलमेंट हो वो हो सके, लो वैल्यू डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सके जो कि रिपीटेटिव और इलेक्ट्रॉनिक के नेचर होते हैं। फिर है IMPS जिसमें आप 2 लाख रुपए वाली ट्रांसफ़र कर सकते हो, 2 लाख रुपए तक की लेटेस्ट 24/7 इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देन यू हैव भारत बिल पेमेंट सिस्टम जिसके मदद से आप आजकल अपने बिल्स भी पे कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा रूपे कार्ड। अब क्या है कि अभी तक हम लोग वीज़ा और मास्टर कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे एज पेमेंट सेटलमेंट इंटरमीडियरीज, अब रूपे आ गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कार्ड पेमेंट नेटवर्क है वो हमारे देश में डोमेस्टिक हो गया। अब हमें और ज़्यादा वीज़ा या मास्टर कार्ड वालों पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन पे डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद से ही चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। और अब तो ये इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट होने लगा है एंटी फिशिंग के लिए, जिससे हमारे देश का जो डेटा है वो देश के अंदर ही रहे, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर एवरीवन? मूविंग ऑन, इंडिया ने वर्चुअली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग अटेंड करी थी। व्हाट इज़ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, हम उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ दिस काउंसिल, यही हमारे लिए आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। GCC या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट इन 1981 बिटवीन बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। इन देशों ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को बनाने का फैसला लिया, जिससे स्पेशल रिलेशन, ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी और पॉलिटिकल सिस्टम जो कि इस्लामिक टेनेट्स पे बेस्ड है, उनको एज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव लेकर इन देशों के बीच में डेवलप कराया जाए। GCC के अंदर एक सुप्रीम काउंसिल है, एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, मिनिस्टेरियल काउंसिल भी है, इसका सेक्रेटेरिएट रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर है और ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल, रिसेंटली इजराइल, बहराइन और सऊदी अरेबिया ने भी एक एग्रीमेंट, एक अकॉर्ड साइन किया है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका बताइए? क्या नाम है? अब्राहम अकॉर्ड। वेरी गुड, उसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वॉर्ली आर्ट। आप मेरे पीछे वॉर्ली आर्ट देख सकते हो, महाराष्ट्र की बहुत फेमस आर्ट है और वॉर्ली ट्राइब भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। अब हैदराबाद के अंदर वॉर्ली आर्ट का इस्तेमाल किया गया, तो हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर में वॉर्ली आर्ट इम्पॉर्टेंट हो गई। ठीक है ना, वॉर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र, जिसको 10th सेंचुरी AD से देखा जा रहा है। जो पेंटिंग्स होती हैं इनके अंदर एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विविड कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेशंस होते हैं, बट एक्सप्रेशन फेस वाले नहीं, एक्सप्रेशन की कितनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं ये आपको पूरी एक्टिविटीज़ दिखाएंगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको वेल से यहाँ पर कुछ पानी निकालते हुए मिल जाएंगे, आपको घर के अराउंड कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए मिल जाएंगे और अक्सर इसमें ट्राइंगल, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, इस तरीके की ज्योग्राफिकल शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। We use geographical shapes to represent Warli art. ठीक है, तो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर्स, और इन्हीं से ही हम लोग नेचुरल एलिमेंट जितने भी हैं एनवायरनमेंट के उनको दिखाते हैं। जैसे सर्कल बता दिया सन या मून के लिए, ट्राइंगल दिखा दिया माउंटेन्स के लिए, पीपल और एनिमल 2 इन्वर्टेड ट्राइंगल्स से उन्होंने बनाए, तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो सेंट्रल थीम जो होता है वो नेचुरल लाइफ होती है, जैसे हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, फेस्टिवल्स, डांसेस, ट्रीज, एनिमल्स, और ये डेली और सोशल इवेंट जो वॉली ट्राइब के हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मूविंग ऑन, अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल आप लोगों के लिए। पायलट प्रोजेक्ट ऑफ सैफरन कल्टिवेशन हैज यील्डेड सक्सेसफुल रिजल्ट। सिक्किम का एक गांव है जिसका नाम है यांग यांग विलेज। ये सिक्किम का गांव है जिसका नाम है यांग यांग। इस गांव के अंदर पहली सैफरन को रिसेंटली कल्टीवेट किया गया। अभी तक सैफरन सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर ही ग्रो हुआ करता था, अब सिक्किम के अंदर भी सैफरन ग्रो होने लगा है। सैफरन इज अ पार्ट ऑफ प्लांट जिसके स्टिग्मा को हम लोग ड्राई कर देते हैं और इसका इस्तेमाल सैफरन स्पाइस बनाने के लिए किया जाता है। जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं उन्होंने इसको कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था और आज की डेट में कश्मीरी क्यूजीन का ये एक इनबिल्ट पार्ट है। इट इज़ वेरी प्रीशियस एंड कॉस्टली प्रोडक्ट। एंशिएंट संस्कृत में इसको बहुकम के नाम से जाना जाता है। इस नाम को याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है एंशिएंट इंडिया में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज बहुकम इन एंशियंट टाइम्स और इन संस्कृत लिटरेचर और इन वैदिक टाइम्स। वैदिक टाइम्स में किसको हम लोग बहुकम के नाम से जानते थे। तो आपको याद रखना है कि बहुकम क्या था, सैफरन था। जो हमारे करेवा हाईलैंड्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जो हमारे करेवा आइलैंड्स हैं वहाँ पर इसकी कल्टीवेशन होती थी, अभी भी होती है। So what are these Karevas? Kareva deposits? What are the Kareva formation? Basically rivers से बहुत सारा जो sediment आके इकट्ठा हो जाता था, deposits आके इकट्ठा हो जाते थे कश्मीर के अंदर, तो वो एक uplifted table land है जो कि sedimentary deposit से बना हुआ है। उसको हम लोग करेवा के नाम से जानते हैं, we call it as Kareva। अब सैफरन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कॉस्मेटिक्स में सैफरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हमारे देश के अंदर अब सैफरन सिक्किम के अंदर भी ग्रो होने लगा है। इसके लिए आपको एक परफेक्ट कंडीशन चाहिए। सबसे पहले इसको ग्रोथ 2000 मीटर अबव सी लेवल पे होती है। इसकी फ़ोटो पीरियड 12 आवर का होना चाहिए, मतलब सनलाइट पूरी होनी चाहिए। सॉइल के बारे में बात करें, बेस्ट कैल्सीरियस सॉइल या जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हो, रिच ह्यूमस वाली सॉइल हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो जिसका पीएच 6 और 8 के बीच का हो, ऐसी सॉइल की यहाँ पर ज़रूरत होती है। रेनफॉल इसको 1000 टू 1500 mm पर एनम चाहिए। इंडिया के अंदर सैफरन प्रोडक्शन बताया था जम्मू एंड कश्मीर में होती है और जो पंपोर नाम की रीजन है उसको सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। और गाइस आपको याद होगा ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, ऑलरेडी कवर्ड अबाउट ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स इन इंडिया। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी कवर कर लिया है जिसके अंदर पैम्पॉर सैफरन हेरिटेज जो हैं वो कवर्ड हैं। चलो एक छोटा सवाल बताओ कि और कौन कौन से हैं जिनको ग्यास के अंदर कवर अप किया गया है, बताइए। ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंदर और किस किस को कवर अप किया गया है? बताइए। बताइए। ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम सवाल आ सकता है इससे। सबसे पहली बात है कि इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किसने किया? इस सिस्टम को फाओ ने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। हमारे देश के अंदर जो कोरापुट नाम की जगह है उड़ीसा में, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है उसको कवर अप किया गया है। कश्मीर के पैम्पोर रीजन के अंदर जो सैफरन कल्टीवेशन होती है उसको कवर अप किया गया है। और कोटनाड़ के अंदर जो कल्टीवेशन होती है उसको कवर अप किया गया है। ठीक है, इन तीनों को कवर अप किया गया है हमारे ग्लोबल एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के अंदर। ओके, दीज आर दी थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ये जो कुटनाड़ है केरला के अंदर, इसमें बिलो सी लेवल फार्मिंग होती है। इट इज़ फेमस फॉर बिलो सी लेवल फार्मिंग। आई होप मैंने आपको ये पहले भी कराया है और हम लोगों ने इससे रिलेटेड MCQs भी ऑलरेडी कवर अप किए हुए हैं। ठीक है गाइस, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक पीस डील हुई, रशिया ने वो पीस डील कराई थी, तो इसकी मैपिंग एक तो आपके लिए ज़रूरी हो गई है। तो मैपिंग में सबसे पहले याद करना कि कैस्पियन सी से अजरबैजान टच करता है, ठीक है, आर्मेनिया टच नहीं करता। और आप ये देखोगे अजरबैजान का एक रीजन तो ये बड़ा वाला है और एक रीजन इधर भी है जहाँ नेक्स्किवान लिखा हुआ है, ये वाला भी अजरबैजान का रीजन है। फिर आर्मेनिया का ये वाला भी रीजन है और आर्मेनिया का एक छोटा सा रीजन आपको दिखेगा अजरबैजान के बिल्कुल सेंटर में। और ये आपको जो लाइट स्किन कलर में जो दिखाई दे रहा है वो है नोगोर्नो कराबाख रीजन, जो कि आता अजरबैजान के अंदर है, पर इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो अपने आप को एथनिकली आर्मेनिया से लिंक करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग एथनिकली आर्मेनिया से बिलोंग करते हैं। तो ये जो रीजन है ये वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप में एक्सटेंड करता है और ये अजरबैजान की टेरिटरी का पार्ट है। बट जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम आर्मेनियन ओरिजिन है, इसलिए उनको जो आर्मेनिया के सेपरेटिस्ट हैं वो कंट्रोल करते हैं। और ये कई सालों से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन के अंदर चलता आ रहा है। बस एज अ कॉन्फ्लिक्ट आप लोग इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करेंगे, अबाउट SCO। नाउ व्हाट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेनली फोकस करती है किसके ऊपर? यूरेशिया के ऊपर। मेन फोकस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहता है यूरेशिया का। यूरेशिया मतलब यूरोप वाला रीजन प्लस एशिया वाला रीजन, तो दो कॉन्टिनेंट को कवर करती है, इसलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कि यूरेशिया वाले रीजन में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करें। 2001 के अंदर 2001 के अंदर बनाया गया था, 2002 के अंदर इसको पास किया गया। इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, रशिया और चाइना। दो परमानेंट बॉडीज हैं इसकी। SCO का सेक्रेटेरिएट बीजिंग के अंदर है और SCO के अंदर ही एक और ग्रुप ऑपरेट करता है जिसको बोलते हैं रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स, जो कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म के खिलाफ बात करता है, जिसका हेडक्वार्टर है ताशकंद के अंदर। SCO की चेयरमैनशिप हर साल मेंबर देशों के बीच में रोटेट होती है। SCO के बनने से पहले शंघाई 5 नाम का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसके अंदर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान जैसे देश थे। शंघाई 5 1996 में एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप के रूप में इमर्ज हुआ और चाइना को लगा कि इसकी स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है और चाइना के इन सारे देशों के साथ कुछ बॉर्डर से रिलेटेड भी चीज़ें थी, इसलिए इनको नाम में लेकर आई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फॉलोइंग द एसेशन ऑफ उज्बेकिस्तान टू द ऑर्गेनाइजेशन इन 2001। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान आर दी रीसेंट मेंबर, जिनको 2017 के अंदर एड ऑन किया गया था। 2017 के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने एड ऑन कर दिया इंडिया और पाकिस्तान को। मूविंग ऑन, हम लोग बात करेंगे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यूनेस्को ने रिसेंटली पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डाल दिया और ये तीसरा मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व बना आफ्टर पंचमरही एंड अमरकंटक, जिसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे एक बारी आप मैप में भी देखोगे, ये देखिए आप लोगों को पन्ना, पंचमरही और यहाँ पर जो अमरकंटक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मूविंग ऑन। ना अब ये है क्या, पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के हैं उनके बिल्कुल सेंटर में पड़ता है और ये विंध्यान माउंटेन रेंजेस में लाई करता है। जो केन नदी है, जो केन रिवर है, जो कि वन ऑफ द लीस्ट पोल्यूटेड ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, वो यहाँ से फ्लो करती है। और जो केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो भी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से गुजर रहा है। ये अपनी डायमंड माइनिंग के लिए ये रीजन बहुत ज़्यादा फेमस है। पन्ना नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी एक नेशनल पार्क, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया था। इट वाज नोटिफाइड एज बायोस्फीयर रिजर्व बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। टाइगर पॉपुलेशन लगातार इस रीजन के अंदर इंक्रीज करती गई है और यूनेस्को ने 2020 के अंदर अभी रिसेंटली इसको अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया। करंट अफेयर का पार्ट है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है ना। व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, बेसिक्स कवर अप कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व रिप्रेजेंट करते हैं दैट पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप जो कि टेरेस्ट्रियल और कोस्टल मेरीन इकोसिस्टम में एक्सपैंड करता है। जिस बायोस्फीयर को बचाना हमारे लिए ज़रूरी है और वो बायोजियोग्राफिकल जोन या प्रोविंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व का आइडिया यूनेस्को ने 1974 में अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर दिया था, जिसके अंदर था कि इंटरनेशनली हम लोग बायोस्फीयर को कंजर्व करें। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो पूरी दुनिया का था वो 1979 में इस्टेब्लिश किया गया था। तब से आज तक 600 से ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इंडिया के अंदर भी बायोस्फीयर रिजर्व मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने यहाँ पर बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चालू कर दिया था। सन 2000 के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना। काफ़ी सारे बायोस्फीयर रिजर्व तब से बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी लिस्ट के अंदर आ गए। तो दिस वॉज अ 1971 प्रोग्राम ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके अंदर अब यहाँ पर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हर साल यूनेस्को कुछ नए बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट करती है और जहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हम लोग अवॉइड कर सकें। गाइज, अपनी अगली क्लास में हम लोग 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट 30 मीटर टेलीस्कोप इन आर नेक्स्ट क्लास। इस अगली क्लास के अंदर 30 मीटर टेलीस्कोप के साथ साथ स्क्वायर किलोमीटर एरे, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनवायरमेंट एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में करेंगे, बिरसा मुंडा जी के बारे में कवर अप करेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, वी विल कवर ऑल दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। और कल आपकी एक स्पेशल क्लास होगी रात में। डू नॉट फॉरगेट कि आप सब लोग उस स्पेशल क्लास में भी ज्वाइन करें। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you for joining. Love and peace from my side. Thank you for having me here, guys, and have a great day ahead. Bye-bye. Take care.